फिर मुझे कहा गया जी यहां तो अनुमति नहीं मिली पंचायत करने की, 12144 योगी जी आपका माथा बहुत बड़ा है, 144 यहां छपवा लो, हम तो फिर भी ना रुके, ना आज रुके ना कल रुकेंगे, रोक लो रोक सको तो, और क्यों रुके, हमने क्या गलत कर रहे, ये वो लोग हैं जो बनाना जानते हैं, निर्माण करना जानते हैं, देश को आजादी की लड़ाई में इन्होंने योगदान दिया, देश को बनाने का काम कर रहे हैं, पेट पालने का काम कर रहे हैं, और आज तो तिरंगा भी आपने दिखा दिया, ये भाजपाइयों को तो दूसरा झंडा थामना पड़ेगा, तिरंगा ना बचाएंगे, ये वो लोग हैं जो जब इन्होंने तिरंगा चलाया था, लड़ाई लड़ी थी, उनके हाथ में तिरंगा नहीं था, वह नहीं फहराते थे, और आज वे लोग आपको कह रहे हैं कि तुम लोग बागी हो गए, तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं बच रही, ये दलाल ये झूठे लोग ये कह रहे हैं किसान आतंकवादी है, इन्हीं की मित्र मंडली के लोग हैं, मुंबई वाले बैठी हैं कंगना रनौत, उनका तो भाइयों पहले उनकी फिल्म देखियो माफ है, आगे उनकी एक पिक्चर मत देखना तुम, जो तुम्हें आतंकवादी बताती हो, और आपने पता है ये वही लोग हैं जो शहनशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है, एक उनके इशारे पे काम हो रहा है सारा, वही भाषा, कोई खिलाड़ी है कोई एक्टर है कोई सेलिब्रिटी है, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और जवाब किसका दे रहे, कोई अंतर्राष्ट्रीय में कोई है जो कह रहा है किसानों के साथ बुरा हो रहा है, हम किसान के साथ, क्या बुरी बात कह दी, किसको बुरी लगी, तो क्यों चोट लगी उस बात से, ये सच्चाई है, हमने देखा और आपने देखा है, दिल्ली आपकी, और आपको जाने से रोका जा रहा है, कील लगाई जा रही है, पक्का काम किया जा रहा है वहां से, कभी कोई किसान राजधानी में ना घुस पाए, दुनिया में वह तस्वीर जाएंगी नहीं क्या, और बदनामी किसकी होगी, पूरे देश की बदनामी हो रही है, अगर कोई अंतर्राष्ट्र में बैठा कोई भी व्यक्ति अगर उस पर टिप्पणी करता है, इसमें कोई बुरी लगने वाली बात नहीं है, समझ अब हो गया तो हमारी नस्लें बच जाएंगी। आज जो सरकार हमें दिल्ली में नहीं घुसने दे रही है, कल को जब वो वोट मांगने हमारे गांव गांव आएंगे, हम भी उन्हें